अपने UFSBI के अंदर दो मोडेम कार्ड होते हैं। मोडेम कार्ड का कार्य होता है कि जो UFSBI से अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा आगे दूसरे स्टेशन को भेजना, लाइन में भेजना, इधर से डाटा। अब मोडेम कार्ड दो मीडिया पे काम करता है, OFC में काम करता है और आपके क्वाड में काम करता है। अभी एक स्पेसिफिक चीज़ है जो मेरा ये वीडियो बनाने का जो स्पेशल पर्पज़ है कि जिन स्टेशनों पे जो IB स्टेशंस हैं, IB है और IB के अंदर आपका मक्स लगा हुआ है, UFSBI मक्स, तो मक्स के अंदर जो मोडेम कार्ड है और जो आपका UFSBI सिंगल लाइन सेक्शन का है वो कार्ड डिफरेंट होते हैं। अभी मान लिया आपका UFSBI ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए, तो उसके लिए मोडेम कार्ड आपका अलग रहेगा और यदि आप उसको मक्स में यूज़ करोगे तो वो डिफरेंट रहेगा। अभी मान लिया आपके पास कौन सा कार्ड है आपको चेक करना है, तो पहले आपको एक बार ये कार्ड मैंने ओपन कर रखा है, आपको कार्ड ऐसे ओपन करना है और ये जो बड़े वाली IC होती है इसको हम निकाल लेंगे। ये ऑलरेडी मैंने थोड़ा निकाल के है, एक सेकेंड में। अभी इसके ऊपर लिख रखा है जैसे नॉर्मल, यदि इस IC के ऊपर नॉर्मल लिख रखा है मीन्स यह है सिंगल लाइन सेक्शन UFSBI कार्ड है, मीन्स यह आपका ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का कार्ड है, ये हम IB में नहीं यूज़ कर सकते। IB में हम यूज़ करेंगे तो ये अच्छे से वर्क नहीं करता। जो IB के लिए कार्ड होता है उसके यहाँ नॉर्मल की जगह IBS लिखा होता है, वो IB के लिए हम यूज़ करते हैं IBS। और जो ड्यूएल लाइन का होता है उधर ड्यूएल लाइन लिखा होता है। तो आप इसको अभी मान लिया मेरे को ये IB में डालना है, तो हमारे पास जैसे दूसरा चिप है वो चिप निकाल के हम यहाँ डालेंगे IB के, तो ये आपका IB में भी काम करेगा। और निशांत जी कैसे हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए।